दोस्तों आज के टाइम में एक प्रोफेशनल अकाउंटेंट को जितना नॉलेज उसको अकाउंटिंग के बारे में, टैक्सेशन कंप्लायंस के बारे में, जीएसटी टीडीएसटी सीएस इनकम टैक्स के बारे में नॉलेज होना जरूरी है, टेलीबीजी जैसे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का नॉलेज होना जरूरी है, तो उतना ही नॉलेज उसको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का भी होना जरूरी है। क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक ऐसी एप्लीकेशन है जिसका यूज आप अपनी बिजनेस की अकाउंटिंग करने के लिए भी एज ए अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के रूप में उसका जो यूज कर सकते हो। क्योंकि कंपनी की जितना भी हमारा डेटा होता है उन सभी का डिटेल में एनालिसिस जितना माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कर सकते हैं उतना शायद अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर जो नहीं कर पाता होगा। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम 5 ऐसे एक्सेल फॉर्मूला के बारे में डिस्कस करेंगे। प्रैक्टिकल तरीके से हम आपको करके भी बताएंगे कि फॉर्मूले किस तरीके से काम करेंगे और उनका रिजल्ट हमें क्या मिलते हैं, जैसे टोटल हो गया, सब टोटल हो गया, स्लाइसर हो गया, टाइमलाइन हो गया और पिवट टेबल हो गया। तो इन 5 ऐसे एक्सेल फॉर्मूले के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप अकाउंटेंट हो, अपने अकाउंट्स को और ज्यादा नॉलेज को इंक्रीज करना चाहते हो तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर एंड तक कंप्लीट देखना, क्योंकि इसके अंदर कुछ बेसिक फॉर्मूले होते हैं जिसका रूटीन हम डेली करते हैं और कुछ ऐसे फॉर्मूले होते हैं जिनका रूटीन हमें मंथ एंड पे, यानी कि जब हमारी कंपनी के हम GST 3B को फाइल करते हैं तो उससे पहले हम क्या करते हैं, हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के जितना हमारा GST का ITC होता है उसको मिलान करते हैं 2A 2B के साथ भी, कहीं उसके अंदर कोई डिफरेंस तो नहीं आ रहा। हालांकि आज के टाइम में अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ये सारा कुछ हमें रिकंसलेशन है जो करके दे देती है भी आपका कौन सा इनवॉइस है जो आपके पास है, पोर्टल पे नहीं है, पोर्टल पे है, आपके पास नहीं है, तो ये सब डिटेल सॉफ्टवेयर भी देता है। लेकिन आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर भी नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि सभी जो बिजनेसमैन होते हैं हो सकता है वो सभी के पास इतना हैवी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ना हो, उनको सभी को अफोर्ड नहीं कर पाते हो। तो आप अगर आपके पास छोटा अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर भी है तो उसके अंदर भी आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के द्वारा इन सब डिटेल को जान सकते हो। तो इस वीडियो के अंदर हम आपको ये सारी बातें प्रैक्टिकल तरीके से बताएंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहन सुतार और स्मार्ट कंप्यूटर्स राइजन करके इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत है। तो वीडियो की शुरुआत करें उससे पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन भी है, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, नोटिफिकेशन बेल को भी आप जरूर हिट कर लेना और आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, वीडियो को शेयर भी जरूर कर देना। तो सबसे पहले अपने चलते हैं एक्सेल पर। हालांकि एक्सेल पर मैंने ना 3 शीट बनाई है, टोटल, सब टोटल और टाइम लाइन की, और तीनों के अंदर बिल्कुल सेम रिकॉर्ड है। टोटल पे चलते हैं, आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर भी आप देख सकते हो 22 ट्रांजेक्शन है। सब टोटल पे चलते हैं, 22 ट्रांजेक्शन है, और टाइम लाइन पे चलते हैं तो यहाँ पर भी आपको 22, यानी कि तीनों सीट के अंदर सेम ही डेटा है। तो सबसे पहले अपने बात करने वाले हैं यहाँ पर टोटल के बारे में, टोटल और सब टोटल इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो सबसे पहले अपने टोटल वाले फॉर्मूले के अंदर में क्या करेंगे, हमारे पास जैसे कि हम ये मान के चल रहे हैं कि हमारे पास में GST का डाटा है, उस GST के डाटा को हमें एनालिसिस करके देखना होता है। तो अब जैसे कि मेरे पास यहाँ पर सीरियल नंबर है, सप्लायर नंबर है, GST नंबर आ गया, उसका इनवॉइस नंबर आ गया, इनवॉइस की वैल्यू आ गई, टैक्सेबल वैल्यू आ गई, CGST टैक्स कितना है, SGST टैक्स कितना। हालांकि ये मैंने थोड़ा सा वीडियो को प्रैक्टिकल बनाने के लिए छोटा सा डाटा मैंने लिया है, आपके पास और ज़्यादा बड़ा डाटा हो सकता है तो आप इसको और ज़्यादा एक्सप्लेन कर सकते हो। तो सबसे पहले हमें टोटल का फॉर्मूला, अब टोटल का फॉर्मूला हम सिंपल तरीके से लगाते हैं, एक बार हम इसी के ऊपर ही लगाएंगे, बराबर सम ब्रैकेट को ओपन करते हैं और उसके बाद यहाँ से हम इसकी रेंज सिलेक्ट करते हैं कि इसका टोटल हमें कहाँ से लेके कहाँ तक लगाना है। जैसा कि ये टोटल हमारा कॉलम हो गया F और कॉलम संख्या होगी हमारी 5, एरो संख्या होगी 5, कॉलम हो गया F, तो यानी कि इसका रेंज क्या रहेगी, F5, और F5 से लेके हमें कहाँ तक लगाना होगा, एंड तक, यानी कि कॉलम हमारा F ही रहेगा और ये कॉलम रहेगा हमारा 26। तो एंटर प्रेस करेंगे तो आप यहाँ देखोगे इसका जो टोटल है, इसकी जो रेंज आ रही है F5 से लेके F26 तक। तो इन फॉर्मूलों का यहाँ पर हम CGST कॉलम पे भी पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पर भी पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये हम इन सभी टोटल को यहाँ पर पेस्ट कर दिए, ये हमने लगा दिया टोटल का फॉर्मूला। अब अपने सेकेंड शीट पे चलते हैं और यहाँ पर लगाते हैं सब टोटल का फॉर्मूला। तो सब टोटल का फॉर्मूला लगाने के लिए अपने क्या करेंगे, इक्वल, और यहाँ अपने टाइप करेंगे सब टोटल, SUB लिखेंगे तो यहाँ पर हमारा सब टोटल आ जाएगा। टैब बटन को प्रेस करना है और उसके बाद में काफ़ी सारे ऑप्शन और आपको दिखाई देंगे, इसके अंदर हमें सेलेक्ट करना होगा 9, यानी कि सम हमें करना है। तो जैसे हमने सम पे क्लिक कर दिया, 9 आ गया, आप 9 लिख भी सकते हो और उसके बाद में कोमा लगाना है। कोमा लगाने के बाद में हमें सेम वही रेंज देनी है, कहाँ से लेके कहाँ तक का टोटल लगाना है, F6 से लेके और यहाँ पर F27 तक, और उसके बाद में इसको हम कॉपी करेंगे CGST के कॉलम पे और SGST के कॉलम पे। तो अब अपने देखेंगे कि सब टोटल और टोटल में डिफरेंस कोई आया क्या, हम इसको कॉलम को थोड़ा सा हाईलाइट करते हैं और बड़ा भी कर देते हैं,
और इधर इस टोटल को भी अपने करते हैं ताकि आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। अब देखो, अब यहाँ आकर टोटल वाले कॉलम के अंदर आ रहे हैं 82 78 162.40 और यहाँ आ रहा है 82 78 162.40, दोनों में डिफरेंस आया बिल्कुल भी नहीं आया, तो ये फॉर्मूला फिर काम क्या करेगा, टोटल और सब टोटल में डिफरेंस क्या हो गया। अब अपने डिफरेंस की बात करते हैं। अब डिफरेंस को देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमारा ये जो डाटा है इसको अपने टेबल के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं। तो जितना भी आपका डाटा है उसको हमने सेलेक्ट कर लिया, और सेलेक्ट करने के बाद में अब टेबल लगाने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है, चाहे तो आप शॉर्टकट कंट्रोल टी बटन प्रेस कर सकते हो, या आप यहाँ से इसको डाटा को वापस कॉलम को सिलेक्ट कीजिए जहाँ तक आपने टेबल बनाना है, और यहाँ पर इंसर्ट पे क्लिक करना है और टेबल का ऑप्शन आ जाएगा, इस टेबल पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे अपने इसको टेबल पर क्लिक करेंगे तो यहाँ ऑप्शन आ जाएगा क्रिएट टेबल का, और ये यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा माई टेबल हैज हेडर, हेडर आपको चाहिए तो बिल्कुल ये ऊपर हेडिंग है जो हमारी हेडिंग आ जानी चाहिए, ओके कर देंगे। उसके बाद में यहाँ पे टेबल डिजाइन आ जाएगा, इसके अंदर डिजाइनिंग के अंदर आप जो आपको चाहिए वो आप यूज यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। इससे आपके टोटल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और सब टोटल का जो हमने यूज किया इसको भी हम एक बार टेबल के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं। इसको सिलेक्ट किया, मैं यहाँ पे कंट्रोल टी करूंगा तो सेम ही ऑप्शन आ जाएगा, और यहाँ पर भी मैं ये ले लूंगा, ठीक है। अब इसमें देखो क्या हो गया, अब जैसे यहाँ पर हमारे पास में कुछ सप्लायर के नाम है, और जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर कोई सप्लायर को सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पर ये देखो फिल्टर के निशान आ गए, मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ, और मान लीजिए इसके अंदर मैंने यहाँ पर एक एबीसी ट्रेडर्स को सिलेक्ट कर दिया, ओके पे क्लिक किया, तो यहाँ की यहाँ पर मेरे सभी एबीसी ट्रेडर्स के नाम आ जाएंगे, बाकी मेरे जो नाम है हाइड हो जाएंगे। लेकिन अभी आप देखो यहाँ पर कोई टोटल पे फर्क पड़ा, उस पर फर्क नहीं पड़ा, जो टोटल पहले था वही टोटल अब आ रहा है। लेकिन अब अपने चलते हैं सब टोटल वाले कॉलम सीट पे, और यहाँ मैं इसको हटा के और एबीसी को सिलेक्ट करता हूँ, ओके करता हूँ। अब देखो जैसे मैंने एबीसी को सिलेक्ट किया ये टोटल भी साथ के साथ चेंज हो रहा है, यानी कि अब ये जो यहाँ पर टोटल आया है ये टोटल केवल एबीसी ट्रेडर्स के जितने मेरे इनवॉइस थे उन्हीं के इनवॉइस का टोटल यहाँ दिखा है, और ये सीजीएसटी और एचजीएसटी के अमाउंट आई है। अब मैं जैसे यहाँ से इसको चेंज करता हूँ, एबीसी की बजाय मान लीजिए मैंने एचडीएफसी को सिलेक्ट कर लिया, तो जैसे मैं एचडीएफसी को सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पर ये टोटल चेंज हो रहा है। अब ये जो टोटल आ रहा है ये केवल इसी अमाउंट के यहाँ पर दिखेगा, लेकिन अगर मैं यहाँ इसको चेंज कर रहा हूँ टोटल वाले कॉलम में जाके मैंने करा दिया, एचडीएफसी क्लिक किया, देखो यहाँ पर कॉलम आ गया, लेकिन इस टोटल के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, ये टोटल आपका हमेशा फिक्स रह जाएगा। लेकिन सब टोटल के अंदर क्या रहेगा, जितना डाटा हमें स्क्रीन पर दिखेगा, अगर हम किसी डाटा को फिल्टर कर रहे हैं तो जितना डाटा हमें स्क्रीन पर दिखेगा उसी का टोटल आपको यहाँ पर स्क्रीन पर शो करेगा। जैसा कि मान लीजिए मैंने एचडीएफसी के बजाय विश्वकर्मा एक्स वाई जेड को ले लिया, दो को ले लिया, तो ये टोटल है जो मेरा केवल इन दो डाटा मतलब सप्लायर का आएगा। अब मैं यहाँ से इसको एक्स वाई जेड को हटा देता हूँ, केवल विश्वकर्मा लेता हूँ, तो ये जो टोटल आया मेरा इन केवल दो इनवॉइस का है। तो ये होता है टोटल और सब टोटल में डिफरेंस। टोटल का मतलब हो गया आपका जितना भी डाटा है पूरे डाटा का टोटल दिखाएगा, सब टोटल का मतलब हो गया जितना स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा है केवल उसी का ही टोटल आपको यहाँ पर डिस्प्ले करता रहेगा। तो आई होप कि आप टोटल और सब टोटल का डिफरेंस है जो समझ गए होंगे। हम एक बार इस वापिस है जो सभी डेटा को ओपन कर देते हैं, और इसको भी हम ओपन कर, अभी जैसा हमने फिल्टर लगा के देखा था सेम उसी तरीके से स्लाइसर ऑप्शन काम करता है। अब स्लाइसर ऑप्शन हमें कहाँ मिलेगा, जैसे हम इंसर्ट टैब पर क्लिक करेंगे तो यह हमें इस फिल्टर के ऑप्शन के अंदर दिखाई देगा स्लाइसर और टाइमलाइन का, लेकिन फिलहाल हम स्लाइसर का यूज करेंगे। तो अब जैसे स्लाइसर पर हम क्लिक करेंगे तो अब स्लाइसर से क्लिक करने से क्या होगा कि जितने भी हमारे यहाँ पर ये हेडिंग जो हमने दे रखी है ये हेडिंग सारा का सारा आपको यहाँ पर दिखाई देगा, ये इंसर्ट आपको। अब ये मान लीजिए अगर आपका कर्सर यहाँ पे टेबल से बाहर है और यहाँ अगर आप फिर स्लाइसर पर क्लिक करोगे तो तब आपके सामने कुछ इस तरीके से ऑप्शन दिखाएगा, यानी कि ये स्लाइसर आपका एक्टिव नहीं है। एक्टिव करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कर्सर आपका इस टेबल के बीच में कहीं पर भी क्लिक होना जरूरी है, तब आप स्लाइसर पर क्लिक करोगे तब ये विंडो इस तरीके से आएगी। अब इसके अंदर जो हेडिंग हम यहाँ अभी फिल्टर लगा के देख रहे थे अब वो हम यहाँ फिल्टर लगा के देखेंगे। अब जैसे मेरे को चाहिए भी मेरे को सप्लायर का नाम चाहिए, उसकी टैक्सेबल वैल्यू भी चाहिए, सीजीएसटी भी चाहिए और एचजीएसटी भी चाहिए, यानी कि ये चार कॉलम मेरे को चाहिए, ओके पे क्लिक करूंगा तो ये चारों के चारें एज ए कॉलम के रूप में स्लाइसर के रूप में आ जाएंगे आपके, ठीक है। अब यहाँ आप इनको सभी को सेट कर सकते हो।
जहाँ आपको जगह मिले। अब इससे क्या होता है, ये भी एक तरीके का फिल्टर के रूप में काम करता है। अब इसमें क्या होगा, जैसे मान लीजिए मेरे को खाली एबीसी ट्रेडर्स की जरूरत है, तो मैं एबीसी ट्रेडर्स पर क्लिक करता हूँ तो मेरे को यहाँ पर केवल एबीसी ट्रेडर्स का नाम दिखाई देगा। मैं यहाँ से एचडीएफसी सेलेक्ट करूंगा तो मेरे को यहाँ पे खाली एचडीएफसी पे नाम है जो यहाँ पे डिस्प्ले करेगा। और यहाँ पर अगर मैं सेम इसी तरीके से टोटल वाले पे चलते हैं, अपने टोटल वाले के ऊपर अपने स्लाइसर को यूज करते हैं, यहाँ आपको ज्यादा पता चल जाएगा। इस डाटा को हमने एक बार छोटा कर लेते हैं ताकि हमारा जो रिकॉर्ड है अच्छी तरीके से डिस्प्ले। हमने सभी का टोटल है तो छोटा कर दिया, टेबल भी हम इसकी छोटी कर देते हैं। अब हम यहाँ पर अपने स्लाइसर का यूज करते हैं, सेम वही चीज, सप्लायर नेम चाहिए, टैक्सेबल वैल्यू चाहिए, सीजीएसटी अमाउंट चाहिए, जीएसटी अमाउंट चाहिए, ओके। और ये चारों चारों स्लाइसर वापस आ गए, हमने इसको एक बार इधर सेट कर दिया। ये इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि ये थोड़ा सा इसके रेंज से अगर बाहर होगा तो ये थोड़ी सी हटेगा, इसको हम नीचे कर देते हैं। अब देखो वापस मैं एबीसी ट्रेडर्स को सिलेक्ट करता हूँ तो ये एबीसी का नाम आ जाएगा और यहाँ पर ये जो टोटल है ये केवल एबीसी का दिख रहा है, ठीक है। विश्वकर्मा एचडीएफसी को सिलेक्ट करता हूँ तो एचडीएफसी का नाम आ रहा है। इसी तरीके से मैं टैक्स की अमाउंट को अगर यहाँ से सर्च करना चाहूँ, जैसे कि मेरे पास ये अमाउंट है 1350 है, अगर आप एक के साथ अगर दो यहाँ पर डिस्प्ले करना चाहते हो सप्लायर के नाम, तो आपको कंट्रोल बटन होल्ड करना है और एबीसी पे भी क्लिक कर, जैसे मेरे को एबीसी भी साथ चाहिए एचडीएफसी के साथ में, क्लिक करके करेंगे कंट्रोल का बटन होल्ड रखना होगा आपको, तो ये एचडीएफसी और एबीसी दोनों सप्लायर के नाम आपको यहाँ दिखेंगे और उसके बाद में सभी के टैक्स की अमाउंट भी आ जाएगी। अब मान लीजिए मेरे को ये चीज देखना है, जैसे ये मेरे पास टैक्स की अमाउंट है सीजीएसटी का, यहाँ पे हेड दिख रहा है ये सीजीएसटी का अमाउंट, इस पर मैं क्लिक करूंगा तो ये सीजीएसटी का अमाउंट कौन से इनवॉइस की है, कौन सी पार्टी की है, कौन से सप्लायर की है, तो वो मेरे को यहाँ डिटेल दिखाई देगा। अगर आप इसको हटाना चाहते हो तो यहाँ पर ये क्रॉस कनेक्शन है, इस पर वापस क्लिक कर देंगे और इसके ऊपर भी वापस क्लिक कर दो तो ये पूरा डाटा आपका स्क्रीन पे हो जाएगा। यानी कि ये भी फिल्टर के रूप में काम कर रहा है, लेकिन यहाँ फिल्टर लगाने का मतलब ये होगा यहाँ पर आपके जो सप्लायर नेम है वो आपको यहाँ पर दिखते रहेंगे। और यहाँ क्या होता है, जैसे यहाँ से अगर अपने यूज करते हैं तो बारी बारी आपको यहाँ से एक एक को हाइड करना पड़ता है, इसको करेंगे फिर वापस जाके फिर उसको सिलेक्ट करेंगे, तो यहाँ से आप क्या करोगे सीधा डायरेक्टली इसी के ऊपर क्लिक करोगे तो ये आपका डाटा यहाँ पे स्क्रीन पे सामने आ जाएगा। अगर आप टैक्सेबल वैल्यू देखना चाहते हो भी ये टैक्सेबल वैल्यू और ये टैक्सेबल वैल्यू कौन सी इनवॉइस की है, तो आप इन दोनों पे सिलेक्ट करोगे तो वो डाटा भी आपको यहाँ पे दिखाई देगा। जो भी आपको इनवॉइस की वैल्यू सिलेक्ट करनी है, जैसे मान लीजिए ये 1455 करना है तो ये 1455 कौन से इनवॉइस की है, कौन से सप्लायर की है, तो वहाँ पे डिटेल दिखेगा। अगर आपको ये 3500 भी साथ में देखनी है तो कंट्रोल का बटन होल्ड कीजिए और यहाँ पे 3500 भी क्लिक कीजिए तो ये भी आपको यहाँ पे दिखेगा। इसी तरीके से आप इसको और थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करोगे, ये देखना चाहते हो तो कंट्रोल का बटन प्रेस कीजिए, क्लिक कर दीजिए तो ये आपका नाम यहाँ दिखेगा और सप्लायर का नाम भी यहाँ दिखेगा। तो इस तरीके से स्लाइसर का यूज हम कर सकते हैं एज ए फिल्टर के रूप में। अब हमारा तीसरा काम था यहाँ पर टाइम लाइन का, ठीक है ना। अब टाइम लाइन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टाइम लाइन हमेशा काम करते हैं डेट के ऊपर, ठीक है ना। अब डाटा हमारे पास वही है लेकिन अब इसके अंदर हमने क्या किया, एक डेट का कॉलम हमने और इंसर्ट कर दिया, ये इनवॉइस हमारा इस तरीके है, ये इनवॉइस इस तरीके है, ये इनवॉइस इस तरीके है, ये इनवॉइस इस तरीके है। तो अब इसके साथ साथ टाइम लाइन के अंदर हमें यूज करना पड़ता है पिवट टेबल का। तो पिवट टेबल का यूज करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसको भी हमें एज ए टेबल के रूप में इसको ले लेते हैं, सेलेक्ट कर लिया कंट्रोल टी, ओके ठीक है। अब उसके बाद आपने क्या करेंगे, यहाँ सेलेक्ट किया और उसके बाद में इंसर्ट बटन पे क्लिक किया और पिवट टेबल पर हमने क्लिक कर दिया। तो जैसे हमने पिवट टेबल पर क्लिक कर दिया तो यहाँ पर ऑप्शन पूछेगा भी इसी सीट पे इसको पिवट टेबल यूज करना है या नई सीट बनानी है, तो हम न्यू पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे तो ये पिवट टेबल की फील्ड आ जाएगी यहाँ पर सारी। फील्ड का मतलब क्या हो गया, भी जो हमारे यहाँ पर हेडिंग थे ना इसके अंदर, ये वाले हेडिंग सीरियल नंबर, सप्लायर नंबर, जीएसटी नंबर, इनवॉइस नंबर, ये सारा का सारा हमारा इस सीट के अंदर आ जाएगा, सी टू के अंदर। यहाँ पे आप देखोगे ना थोड़ा सा इसको अपने बड़ा करते हैं, अब यहाँ देखो वो सारी की सारी हेडिंग आपको यहाँ पर आ जाएगी। अब इसके अंदर आपको सप्लायर का नाम भी चाहिए तो आपको सप्लायर नंबर आप क्या करोगे रो में लगा देगा, तो आपका सप्लायर नंबर आपको यहाँ दिखेगा। अब आप चाहते हो भी आपको इनवॉइस की वैल्यू भी चाहिए, टैक्सेबल वैल्यू चाहिए, तो आप इसको फिल करके यहाँ पे स्क्रॉल करके वैल्यू मिल जाओगे। अब उसके बाद में आपको सीजीएसटी की भी वैल्यू चाहिए, उसके बाद आपको एसजीएसटी की भी वैल्यू चाहिए, तो अब जितना भी डाटा आपको चाहिए वहाँ पे आप इसको
ड्रॉप डाउन करके और यहाँ पे इसको ले आ सकते हो ड्रैग करके। अब यहाँ आ गया, अब इसका मतलब क्या बन गया, अब यहाँ पर हमारा यूज होगा टाइमलाइन का। अपन इसको टाइमलाइन को यूज करेंगे, तो जैसे हमने टाइमलाइन को यूज किया, आप देखो कि यहाँ पे केवल इनवॉइस की डेट आ रही है, यानी कि जो डेट का कॉलम होता है वही हमारा टाइमलाइन होता है। हमने इस पर क्लिक किया, ओके कर दिया। अब ओके करने से क्या हो गया, ये इनवॉइस की डेट का एक अलग से ऑप्शन हमारे सामने खुल के आ गया। अब इसके अंदर वापस चलते हैं टाइमलाइन। अब टाइमलाइन के अंदर देखो, कुछ इनवॉइस अप्रैल महीने की है, कुछ मई की है, कुछ जून की भी है, जुलाई की है, इस तरीके से हर महीने के अंदर आपके पास इनवॉइस होते हैं। लेकिन अब ये इनवॉइस का डेट का जो हमारा टाइमलाइन है, ये वर्क कैसे करेगा, तो सबसे पहले हम इधर आते हैं। अब देखो मेरे पास इनवॉइस है ना, कुछ 2023 के भी हैं, कुछ 2024 के भी हैं। तो अब इसने यहाँ पे क्या दिखाया हुआ है, मंथ वाइज, यहाँ देख सकते हो ये मंथ वाइज डाटा है। तो मंथ वाइज अपने बात करते हैं, तो जैसे यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया जनवरी 2023, देखो जनवरी 2023 के अंदर कोई इनवॉइस नहीं है। फरवरी पे क्लिक किया, मार्च पे क्लिक किया, अप्रैल पे क्लिक किया, तो ये कह रहा है कि अप्रैल के अंदर आपके पास में केवल एक ऐसा सप्लायर है जिसकी इनवॉइस है। मैंने मई पे क्लिक किया, तो मई के अंदर मेरे पास में 4 ऐसे सप्लायर हैं जिनके इनवॉइस मेरे पास है। तो ये तो डाटा हमें दिखता रहता है, जून पे क्लिक करेंगे जून का भी दिखाएगा, जुलाई का भी दिखाएगा, अगस्त का भी दिखाएगा, इसी तरीके से सितंबर अक्टूबर, ये जितना भी हमारा डाटा रहेगा उन सभी को ये दिखाता रहेगा, ठीक है। अब मेन बात यह है कि भाई इसने दिखा तो दी, यहाँ से आप चेंज भी कर सकते हो, डे वाइज कर सकते हो, क्वार्टरली कर सकते हो, ईयरली पे करेंगे, जैसे ईयर करेंगे ना तो ईयर पे क्या होगा, यहाँ पे 2023 और 2024 दिखाएगा, ठीक है ना। अब 2023 पे क्लिक करो, ये कह रहे 2023 के अंदर आपके इतने इनवॉइस हैं। 2024 पे क्लिक करोगे, ये कह रहे 2024 के अंदर आपके पास में 2 सप्लायर हैं, उनसे आपने इतना टैक्स आपने उनको पे किया, इतनी गुड्स आपने उनसे परचेज करी हुई है। तो अब यहाँ देख, जैसे मान लीजिए हमें इतना तो पता चलता है कि ABC हमारा ट्रेडर्स है, जो सप्लायर है, इससे हमने इतने रुपए का गुड्स खरीदा है, अमाउंट टैक्सेबल अमाउंट इसकी ये है, CGST की अमाउंट ये है, और SGST टैक्स की अमाउंट ये। लेकिन अब इसके अंदर इनवॉइस हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सा इनवॉइस है, तो जैसे ही आप टैक्सेबल इनवॉइस पे आके डबल क्लिक करेंगे तो उन सभी इनवॉइस की यहाँ पर डिटेल आ जाएगी, सप्लायर नंबर, डिटेल नंबर, यहाँ पर इनवॉइस नंबर, इनवॉइस की वैल्यू कितनी है, टैक्सेबल वैल्यू कितनी है, उसके अंदर CGST कितना है, SGST कितना है। इसी तरीके से वापिस जाओगे XYZ का, अगर आपको देखना है भी ये जो इनवॉइस है इस वैल्यू के अंदर कितने इनवॉइस है, तो इसके ऊपर आप डबल क्लिक करो तो वहां पर भी आपको ये इनवॉइस की पूरी डिटेल दिखा देगा। तो यानी कि पिवट टेबल का मतलब आ गया कि आप उसको डिटेल के साथ देखना चाहते हो, यहाँ आपको डाटा दिख रहा है बिल्कुल कंसोलिडेटेड में। 2023 की बात करोगे, 2023 के अंदर पूरा डाटा है, यानी कि आपने टोटल अमाउंट यहाँ पता चल जाएगी, कितना टैक्स आपने पे किया है, इन इन सप्लायर को टैक्स पे किया है, लेकिन इनवॉइस कितने हैं वो भी जरूरी है मिलान करने के लिए। तो आप जैसे कोई भी आप अमाउंट ले लीजिए, HDFC बैंक ले लीजिए, इस पर क्लिक करोगे तो ये केवल HDFC बैंक की इनवॉइसिंग आ जाएगी, नाम, GST नंबर, इनवॉइस नंबर, टैक्सेबल वैल्यू, इनवॉइस, जितनी भी डिटेल हमें चाहिए होती है वो सारी की सारी डिटेल आपकी यहाँ पर आ जाएगी। और ये सब किसकी वजह से हो रहे हैं, पिवट टेबल की वजह से। और टाइमलाइन हम इसलिए यूज कर रहे हैं, टाइमलाइन के अंदर हमें क्या होता है, ईयर वाइज डाटा में देखने को मिल सकता है। आप इसको क्वार्टरली देख सकते हो, फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर, फोर्थ क्वार्टर के अंदर कितने इनवॉइस है। आप या इसको डे वाइज देख सकते हो, एक तारीख में कितना है, दो तारीख में कितना है, तीन तारीख में कितना है, और ईयरली भी अभी ने देख लिया, ईयर वाइज 2023 में आपके ये इनवॉइस है, 2024 के अंदर आपने इन इन पार्टियों से ये गुड्स जो परचेज करी है। तो आई होप कि आज की इस वीडियो से जरूर आपको कुछ नया सीखने को मिला है। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो जरूर लाइक कर देना, वीडियो को शेयर भी जरूर कर देना, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज वो भी कर लेना, क्योंकि आगे भी आपको इस चैनल पर इसी टाइप की नई नई वीडियो लगातार मिलती रहेगी।